तो नमस्ते दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं करवा चौथ की स्पेशल रेसिपी। इस करवा चौथ में इस स्पेशल रेसिपी को बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है और हल्की मीठी भी है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और किसी भी फेस्टिवल पे इस रेसिपी को आप बनाइए और आनंद उठाइए, खुद खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक कटोरी मैदा ले लीजिए, इस जगह पे आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, दोनों से बहुत ही अच्छी बनती है। तो बीच में थोड़ा सा आप गड्ढे कर लीजिए, यानी जगह कर लीजिए। इसमें जाएगा हमारा आधा कटोरी चीनी का बूरा, ऑप्शनल है, आप चीनी का पाउडर भी बनाकर ऐड कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चीनी का बूरा बनाकर ऐड करें, इससे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक चुटकी जाएगा नमक और सौंफ है दोस्तों एक चम्मच, इसको थोड़ा सा दरदरापन कूट लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कूटने के से। और इसमें जाएगा इलायची पाउडर आधा चम्मच, ये घी है गुनगुना तो चार चम्मच है, मेजरमेंट करें तो चार चम्मच है, और इतने ही पानी ऐड करेंगे गुनगुना। मैं घी के बराबर ली हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो घी और पानी दोनों गुनगुना है, तो थोड़ा सा चीनी को घोल लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ छूट रहा है, ये है खाने वाला सोडा, सिर्फ एक चुटकी जाएगा, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। और ये सब चीज़ों को थोड़ा घोल लेते हैं, और जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से इस आटे को आप गूंथ लीजिए। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आपको मैं दिखाती हूँ कितनी खस्ता और क्रिस्पी ये मठरी बनती है, बहुत ही हल्की मठरी है। जबकि सभी लोग अब हल्की चीज़ें मीठी हल्की मीठी खाना पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने बनाया है। तो इतनी हमारा पानी बच गया, हमने पानी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ना ज़्यादा आपको हार्ड रखना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं या ज़्यादा सोडा डाल देते हैं तो आपको आगे फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं एक कटोरी के मैदे के हिसाब से मैंने सारा सामग्री ऐड किया है, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उस सामान से उस तरीके से सामान और भी बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो आटा को हमने 2 से 3 मिनट रेस्ट पर रखा था, तो ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं कि 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हो गई है आटा, तो एक बार जरूर बनाइएगा। बनाना तो बहुत आसान है, आप वीडियो को देखिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी लगती है, हमें बहुत ही पसंद आया है रेसिपी, तो हमने सोचा कि अपने दोस्तों को भी शेयर करूं। तो करवा चौथ आ चुका है, मतलब आ रहा है, तो इस करवा में ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो नींबू आकार में बना लीजिए, वैसे तो ये मठरी बड़ी बड़ी बनती है पर हम अपने बर्तन के हिसाब से ही बना रहे हैं। तो घरों में तो किचन में छोटे छोटे ही बर्तन होती है, तो जितने हम बर्तन बड़े लेंगे तो उस हिसाब से हमें तेल भी ऐड करना पड़ेगा। तो तेल के से मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आटा छिड़क लीजिए, इसे चिपकेगा नहीं। तो आपको ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है और ना तो ज़्यादा पतला ही बनाना है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, परेशान नहीं होइए। तो एक आकार में सारे आप बेल लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखते देखते एक शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ध्यान से सुनिए, प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
तो इसी तरीके से मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी डालने की कोशिश करूँगी। और आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आगे किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें जाएगा प्लेट। इसको भी बता रही हूँ कि प्लेट क्यों ऐड की हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, पर प्लेट ऐड करने का मतलब है कि जैसे कढ़ाई में जो मीठी मीठी होता है, जो चीनी मैंने ऐड किया है, वो चिपकेगा नहीं, तो तेल हमारा ख़राब नहीं होगा। तो एक दो बार हम और भी बना सकते हैं, तेल काला नहीं होगा और बहुत ही क्रिस्पी इस तरीके से बनेगा। क्योंकि डायरेक्ट पूड़ी ऐसे डायरेक्ट जो मटरी बनाए हैं उसको तेल में ऐड करेंगे तो वो तुरंत खस वो हो जाएगा, अंदर तक खूब क्रिस्पी नहीं बनेगा। इस तरीके से क्या होगा कि प्लेट के हिसाब से धीरे धीरे पकेगा तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आइडिया ज़रूर अपना के देखिएगा। तो आपको मीडियम आंच पे फ्राई करना है, लो टू मीडियम। तो उलट पलट के आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, पर स्टार्टिंग में दोस्तों थोड़ा सा एक तरफ पक जाएगा तो फ्राई कीजिएगा, नहीं तो बहुत सॉफ्ट होता है, टूटने का डर रहता है। तो ये हो गया है फ्राई हमारा, इसी तरीके से आप सारे फ्राई कर लीजिए। अब इसको बनाकर हफ्तों दो हफ्तों स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि तैसे ही पड़ा रहेगा, टेस्ट वहीं रहेगा, क्रिस्पी वहीं रहेगी, खस्तापन भी वहीं रहेगी, सारे चीज़ वहीं रहेगी। तो एक बार बनाकर देखें। तो इस हैप्पी कुक विद केसी को आप ज़रूर याद रखेंगे। तो मेरा नाम है कंचन चौधरी। तो आप सोचते होंगे हैप्पी कुक विद केसी जो न्यू सब्सक्राइबर है, तो केसी मतलब कंचन चौधरी, तो मेरा चैनल का नाम है हैप्पी कुक विद केसी और हमारा नाम है कंचन चौधरी। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हम आपको तोड़कर भी पहले दिखा दूं। वैसे तो आपको आप इतने समझदार हैं जो लाइक शेयर तो ज़रूर करेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो न्यू दोस्त हैं तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा सब्सक्राइब करने को। तो एकदम खस्ता है, आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारा सपोर्ट